जी हाँ दोस्तों, देखिए इस प्रकार टूटा हुआ नेक बैंड को हम फिक्स कर लेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार नेक बैंड टूट जाते हैं, किसी का फंस के टूट जाता है या फिर किसी के नेक बैंड को चूहे काट देते हैं, तो उसे कैसे ठीक करना है दोस्तों, हम इस वीडियो में यही सीखेंगे और इसे ठीक भी करके बताएंगे दोस्तों। आप भी इसे बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आप भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या गैजेट इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के बारे में जो भी फॉल्ट आते हैं, जो भी समस्याएं उसमें आती हैं गैजेट में, अनेक अनेक प्रकार की वीडियो बताते रहता हूं दोस्तों और वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों। अगर आप भी मुझे कमेंट्स करके किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी गैजेट के बारे में, किसी फॉल्ट के बारे में अगर पूछते हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देता हूं दोस्तों। वीडियो के माध्यम से अगर हो सके तो मैं आपको समझा भी देता हूं दोस्तों, और आप उसे कुछ ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस तरह का नया एयरफोन मार्केट में मिलता है, आपको आसानी से मोबाइल की दुकान पे मिल जाएगा दोस्तों। आप चाहे तो इस नए एयरफोन को भी आप इस नेक बैंड में लगा सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें कस्टमर ने कहा है, जिस भाई का यह नेक बैंड है, उन्होंने कहा है यह स्पीकर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा आवाज़ देता है दोस्तों इसमें से, तो हमें इसी को इस्तेमाल करके आप बना दीजिए, इसे ठीक कर दीजिए, इसके वायर को ही आप रिप्लेस कर दीजिए। तो इसके वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे और यही इसी स्पीकर का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, यही हम आपको बता रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं किस तरह से इसे रिप्लेस कर। तो देखिए दोस्तों, हमें पुराने हेडफोन से दो ब्लैक वायर निकाल लेना है दोस्तों। अगर आपके पास पुराना हेडफोन नहीं है दोस्तों, तो आप ब्लैक नया हेडफोन लेकर आप उसमें से भी नए हेडफोन से वायर दो निकाल सकते हैं। आप इस तरह से दो फ्रेश वायर निकाल लीजिए और इसके जो एक्स्ट्रा स्पीकर वगैरह है दोस्तों, इसको हटा लीजिए, और हटाने के बाद आप इसे दोनों वायर को सोल्डरिंग की मदद से दोस्तों सोल्डरिंग कर लीजिए, और इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हमें दो वायर इसमें से फ्रेश निकाल लेना है दोस्तों, और देखिए हमने निकाल लिया, अब इसे इंस्टॉल करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है दोस्तों। प्रिय दोस्तों, देखिए हमारा जो नेक बैंड से टूट गया था उसके स्पीकर को खोल लेना है, और जो इसमें वायर है दोस्तों, इस वायर को हम बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आपके पास इस तरह से यह स्पीकर आसानी से खोल नहीं रहा हो, तो इसके ऊपर आप धीरे धीरे ठोकेंगे, इस तरह से किसी चीज़ की मदद से ठोकेंगे, तो वह आसानी से खुल जाएगा दोस्तों। देखिए यह अब आसानी से खुल गया है, इस तरह से आप इसे खोल सकते। अब हमें पुराने वायर को, जो कटा हुआ है वायर है, उसे निकाल लेना है कुछ इस प्रकार, और जो हमने वायर अभी फ्रेश निकाला था पुराने हेडफोन से, उसे इसके अंदर से डालकर दोस्तों बाहर निकाल लेना है, और इसमें स्पीकर को भी सोल्डरिंग कर देना है कुछ इस प्रकार। देखिए बहुत ही आसानी से दोस्तों यह पड़ जाएगा उसके अंदर, और इस तरह से आप इस तरफ खींच लेंगे और बहुत ही आसानी से यह इसमें चला जाएगा। और देखिए हमने आगे उसके स्पीकर सोल्डरिंग कर दिया है, और इसे ऐसे ही रखेंगे, अभी बंद नहीं करेंगे दोस्तों फाइनली चेक करने के बाद। देखिए कुछ इस प्रकार हमने एक को रेडी कर लिया, इसी प्रकार दूसरे को भी रेडी कर लेंगे। इस सोल्डरिंग मदद से इसके स्पीकर के कनेक्शन को हम निकालेंगे, और स्पीकर के कनेक्शन को निकालने के बाद दूसरा वायर जो है उसको लगा के हम इसके अंदर भी, जैसे हमने पहले को रेडी किया उसी तरह इसको भी रेडी कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए कुछ इस प्रकार हम इसके अंदर एक गांठ लगाएंगे, देखिए वायर के अंदर एक गांठ लगी हुई है, ताकि अंदर से वायर खींच के ना आए। और देखिए जो यह स्पीकर हेडफोन का जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर से वायर हम बाहर निकालेंगे। देखिए जैसे इस तरह निकला हुआ है, तो इसमें से इसको इस वायर को हमें बदल देना है, और जो हमारे हाथ में वायर दूसरा वाला है उस वायर को हम इसके अंदर से पास करेंगे। और आपको एक गांठ लगा लेनी है दोस्तों, आपको ध्यान देना है गांठ लगा लेनी है, गांठ नहीं लगाएंगे तो वायर बाहर निकल जाएगा। कुछ इस प्रकार इसके अंदर से वायर हम बाहर निकाल लेंगे, और यह अब रेडी हो चुका है दोस्तों। इसमें अब स्पीकर लगाना बाकी है, आइए हम आपको बताते हैं स्पीकर कैसे लगाते हैं। सोल्डरिंग करना है दोस्तों, इसमें दो लीड होती है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो देखिए हम यहाँ पे अब इसको
प्लस से प्लस को और माइनस से माइनस को सोल्डरिंग स्पीकर में कर लेंगे। दोस्तों आइए हम स्पीकर में सोल्डरिंग कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, ज़रूर आप सीख जाएंगे कैसे आपको इसे ठीक करना है। तो देखिए हमने अब यहाँ फाइनली सोल्डरिंग कर लिया है दोस्तों। अब यह दूसरे वाले के जैसा ये भी रेडी हो चुका है। अब हमें इसे नेक बैंड के अंदर सेट कर देना है। तो आइए कैसे नेक बैंड के अंदर सेट करते हैं वह करके देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन थोड़ा मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि अगर शॉर्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊँ तो दोस्तों आप सही से सीख नहीं पाएंगे और आपका काम हो नहीं पाएगा, तो फिर वीडियो देखने का क्या मतलब होता है दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है, आप पूरा वॉच कीजिए दोस्तों, और आप पक्का करता हूँ कि आप किसी भी नेक बैंड को रिपेयर कर पाएंगे दोस्तों। देखिए हम इस प्रकार ओपनर की मदद से इसे ओपन कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों हम आराम से बहुत आसानी से ओपन हो जाता है। किसी किसी नेक बैंड में दोस्तों लॉक होता है, और कोई कोई चिपकाया होता है, किसी में स्क्रू भी होता है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब के से देख लीजिए कि आपके नेक बैंड में लॉक है या फिर क्या है, उसके हिसाब से आप उसे ओपन कर लीजिए दोस्तों। देखिए मेरा ओपन हो चुका है, ये देखिए मैंने एक इसको ओपन कर दिया है, और यह बैटरी वाला भाग है, और यहीं पे हम एक एयरफोन का कनेक्शन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, यहीं पे हम इसे कनेक्शन करेंगे एयरफोन को। यहाँ पे दो तार होते हैं, एक प्लस एक माइनस, जैसे जैसे प्लस माइनस है उस पर टेप लगा हुआ है दोस्तों। देखिए यह टेप, और टेप को हटाएंगे और यहाँ पे हम उस स्पीकर के वायर को सोल्डरिंग कर देंगे और फिर से टेप लगा देंगे। तो देखिए हम ये हटा रहे हैं सोल्डरिंग की मदद से, और देखिए वायर हट चुका है, और देखिए यह दूसरा वाला जो हमने रेडी किया था उसे हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर लेंगे। और देखिए हम साइज़ मेंटेन कर रहे हैं, दोनों साइज़ सही है, एक साइज का है, तो साइज़ को मेंटेन करते हुए हम अब देखिए यहाँ पे हम इसे सोल्डरिंग कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा टेप है जो हमें टेप लगाना है, ताकि एक दूसरे से दोनों वायर चिपक ना जाए दोस्तों। तो हमने एक में टेप लगा देना है, एक में टेप लगा देंगे तो वह दूसरे से चिपकेगा नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड गैजेट के बारे में हम बताते रहते हैं इस चैनल पे, और आप कमेंट्स पे करके या किसी गैजेट के बारे में किसी फॉल्ट को पूछेंगे, किसी प्रॉब्लम को पूछेंगे, तो ज़रूर हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे दोस्तों। दोस्तों ठीक तरह से हमें सोल्डरिंग इस पर कर लेना है दोस्तों। इसके वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है, पेंट की कोटिंग होती है, तो वह कोटिंग जब तक इस वायर के ऊपर लगी होती तो इसके ऊपर शोल्डर पकड़ता नहीं है, तो इसलिए कुछ देर तक इसके ऊपर आप शोल्डर को चिपका के रखें, शोल्डर को उसके ऊपर थोड़े देर तक रखें ताकि वो कोटिंग जल जाए और फिर वायर के ऊपर शोल्डर पकड़ ले दोस्तों। तो इस तरह से आपको इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेना है। तो फाइनली सोल्डरिंग हो चुकी है, एक साइड में बैटरी की साइड में सोल्डरिंग हो चुकी है, और टेप लगा के हम इसे यहाँ पे एक गाँट लगा लेंगे दोस्तों, ताकि वायर यहाँ से बाहर ना खींच जाए दोस्तों, नहीं तो आप गाँट नहीं लगाएंगे और वायर फिर से टूट जाएगा। देखिए इस प्रकार हमें एक गाँट लगा लेनी है क्योंकि वायर बाहर ना खींचे, और देखिए हम यहाँ पे गाँट लगा लेते हैं, और यहाँ पे गाँट लग चुकी है। और देखिए हम फिर बाद में इसे अब इसके अंदर पैक कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर वायर को रखेंगे और इसके अंदर बैटरी रख के इसे पैक कर देंगे। इसी प्रकार दूसरे को भी हमें करना है। आइए इसे पहले पैक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार हमें वायर को सही से अंदर कर लेना है, और पैक करते टाइम दोस्तों ध्यान देना है कि वायर बाहर ना हो, नहीं तो कट जाएगा, पैक करते टाइम लॉक में पड़ जाएगा और कट जाएगा दोस्तों, इसलिए हमें ध्यान देना है। और इसे बहुत ही आसानी से दोस्तों यह पैक हो जाएगा। देखिए इस तरह से बैटरी रखना है, ऊपर से कवर रख के हमें प्रेस कर देना है, और यह पैक हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसे करना है, और देखिए आप बहुत ही आसानी से इसे कर लेंगे।
और यहाँ पे देखिए यह हो चुका है ठीक, और अभी वायर बाहर भी नहीं निकल रहा है और यह फिट हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरे को भी अब कर लेंगे। आइए फटाफट कर लेते हैं दोस्तों, इसे भी हम ओपन करेंगे ओपनर की मदद से। आपको ध्यान देना है दोस्तों, आराम से ओपन करना है क्योंकि अंदर सर्किट बोर्ड होता है, और ओपनर से सर्किट बोर्ड पे मार लग गई तो सर्किट बोर्ड ख़राब होने का चांस होता है, तो इसलिए आपको आराम से ओपन करना है। और यहाँ पे देखिए सर्किट बोर्ड में लगा हुआ है, दो वायर लगा हुआ है, प्लस माइनस, राइट प्लस और लेफ्ट, सॉरी प्लस माइनस का वायर लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमने पुराने वायर को निकाल दिया है सोल्डिंग की मदद से, और यहाँ पे जो हमने रेडी किया था अभी हेडफोन को, वहाँ पे हम इसे दोनों तार को सोल्डिंग कर लेंगे। और यहाँ पे भी एक गाँठ लगा लेंगे दोस्तों, ताकि ये भी वायर बाहर ना निकले। ध्यान दीजिए दोस्तों, गाँठ लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वायर बाहर निकल जाएगा। तो आइए देखिए, मैंने गाँठ यहाँ पर लगा ली है, और यहाँ पर सोल्डिंग की मदद से मैं इसे भी दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों फाइनली आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे सोल्डिंग किया है मैंने यहाँ पे, आपको इसमें मैं एक जगह फाइनली दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने कई जगह आपको दिखाया नहीं कि कैसे सोल्डिंग किया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप इसी प्रकार सब जगह सोल्डिंग करें दोनों को अलग अलग करके दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर इसे सोल्डिंग कर रहा हूँ, देखिए मैंने एक को कर दिया, अब दूसरे को भी कर रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस प्रकार आपको अलग अलग कर लेना है। एक ब्लू है और एक गोल्डन है, ब्लू वाला प्लस है, गोल्डन वाला माइनस है। आपको इसी प्रकार दूसरे वाले में भी करना था दोस्तों, उसका मैंने आपको दिखा नहीं पाया दोस्तों वो सही से, तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको सही से दिख गया होगा, और इसे भी इसके अंदर गांठ को अंदर फंसा के दोस्तों, और इसके ऊपर से भी इसका कवर लगा लेना है। तो देखिए इस प्रकार सर्किट को सही से उसमें रखना है और कवर को लगा लेना है दोस्तों। देखिए यह मैंने सर्किट को रख के और इसके ऊपर कवर को रख के आराम से प्रेस करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ईजी तरीके से लग जाता है, कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो देखिए मैंने इसे लगा लिया है, और अब इसके ऊपर का जो कैप है उसे भी लगा लेते हैं, और अब इसे हम चेक करेंगे दोस्तों। और यह देखिए अब रेडी हो चुका है, यह बिल्कुल वर्क करेगा। अब इसे हम पैक कर लेते हैं, इसके ढक्कन को बंद कर लेते हैं फाइनली। अब इसके ढक्कन को बंद कर लेना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है राइट और लेफ्ट का देख के उसके हिसाब से इसको बंद कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यह इसमें स्पीकर क्रॉस होते हैं, तो लेफ्ट का राइट में नहीं लगता है और राइट का लेफ्ट में नहीं लगता है दोस्तों। तो आपको जब बंद करते टाइम देखना है राइट लेफ्ट का ध्यान देके बंद कर लेना है। और देखिए यह फाइनली रेडी हो चुका है नेक बैंड, और यहाँ पे एक देखिए इस प्रकार आराम से आप बंद कर लेंगे और यह रेडी हो चुका है। अब आप इस तरह से इसे बनाकर चला सकते हैं दोस्तों, आप नया भी लगा सकते हैं। आप पास नया अवेलेबल नहीं है तो आप पुराने हेडफोन से भी बना सकते हैं, ख़राब हेडफोन से भी बना सकते हैं। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।